Welcome back again, students. Today we are going to start application writing in English grammar. Okay, so you know why we write application? हम application क्यों लिखते हैं and why, how to write application? हमें application कैसी लिखनी चाहिए? Okay, come let's learn about this. So application हम तब लिखते हैं जब हम school में absent होते हैं या हमें कहीं पे रिलेटिव्स की मैरिज में जाना रहता है, ठीक है, या फिर हम अनवेल होते हैं, हेल्थ इशू होता है, या कोई एनी क्रिटिकल कंडीशन जो हमारी फैमिली में हो जाती है कभी, सो उस रीज़न से हम स्कूल नहीं जाते हैं. ओके, सो हमें तब एप्लीकेशन देना चाहिए स्कूल में. ओके, सो कम लेट्स सी विच एप्लीकेशन इज दिस. ओके, सो दिस इज़ अ एप्लीकेशन फॉर टेकिंग लीव योर ब्रदर्स मैरिज. ओके, सपोज कि आपके ब्रदर की मैरिज है. ओके, सो आपको स्कूल से छुट्टी चाहिए, स्कूल से लीव लेना है. सो फर्स्टली यू हैव टू गिव एप्लीकेशन इन योर स्कूल. ओके, सो कम सी हाउ टू वी स्टार्ट एप्लीकेशन. इन टॉप ऑफ द लाइन you have to write two, then mark comma, okay, and then in next line write the principal. okay, don't write here any other name, because hum jab bhi application likhte hain to hum school ki principal ke naam se likhte hain. okay, and then mark comma, and then in next line write your school name, Bright Academy Public School, then comma again, and in next line write the address of your school, Khancharaha, comma, and Prayagraj, full stops, name the city also. okay, and then leave one line, आपको एक line छोड़नी रहे, and then leaving one line write subject. subject means हम subject यहाँ पे इसलिए लिखते हैं कि जिनको भी हम दे रहे हैं एप्लीकेशन वो यहाँ पे सब्जेक्ट देख के जान जाएंगे, पढ़ के, कि हमारा ये एप्लीकेशन किस लिए है. ओके, सो हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं? लीव रिक्वेस्ट है ये हमारे किस लिए? ब्रदर की मैरिज अटेंड करने. सो राइट लाइक दिस, लीव रिक्वेस्ट टू अटेंड द ब्रदर्स मैरिज. ओके, and then full stop, and after that in next line you have to leave two fingers space, means दो उंगली के बराबर आपको यहाँ पे space छोड़नी है. then write respected madam, हमारी principal ma'am female है, feminine है, so हमें respected madam लिखना. okay, then mark comma, and then in next line leave line like this, and then फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे लाइक दैट. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड इन योर स्कूल, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रैंड मी लीव ऑन द ओकेजन ऑफ माई ब्रदर्स मैरिज फंक्शन ऑन डैश. ओके, जिस डेट में आपके ब्रदर की फंक्शन, मैरिज फंक्शन है, वो डेट यहाँ पर आप मैंशन करोगे. ओके, एंड यू नो स्टूडेंट्स, दिस इज अ बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, इसको हम एप्लीकेशन का बॉडी बोलते हैं. यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखने वाले को बताते हैं कि हम कौन हैं, और हम थोड़ा ब्रीफली उनको बताते हैं कि हमें इससे इस डेट तक की छुट्टी चाहिए. ओके, देन सपोज टुडे इज 22 जुलाई, देन यू हैव टू टेक अ लीव फ्रॉम 24 जुलाई. ओके, 24 जुलाई टू. ओके, सो राइट लाइक दिस, माई ब्रदर्स मैरिज फंक्शन ऑन 24 जुलाई 2020. देन लीव, देन कम इन नेक्स्ट लाइन एंड लीव टू फिंगर स्पेस ऑल्सो, देन राइट काइंडली ग्रैंड मी लीव फ्रॉम डैश टू डैश, मीन्स आपको वहाँ पे मैंशन करना है कि आपको कितने से कितने डेट तक की छुट्टी चाहिए. ओके, सो आपके ब्रदर का फंक्शन 24 से स्टार्ट है, सो यू हैव टू टेक लीव फ्रॉम 23 जुलाई. ओके, टू 30 जुलाई. ओके, राइट द लीव डेट. ओके, एंड देन आफ्टर दैट, एंड देन आफ्टर दैट इन द राइट हैंड साइड ऑफ पेज, पेज के राइट हैंड साइड राइट थैंक यू, एंड देन फुल स्टॉप.
okay, don't forget to mark full stop. Then after writing this, come in next line, write yo obediently. After that, name, and after in next line, write class. Then write your in next line, roll number, and in next last line, write the date when you write this application. Okay, so don't forget to write like this. हमें इसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखना रहता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. सो राइट योर एप्लीकेशन इन योर नोटबुक. टिल देन, बाय बाय.